नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, दुनिया जब महामारी का सामना कर रही है, ऐसे में वर्ल्ड वार टू के बाद दुनिया के जीवन पर सबसे बड़ा संकट का खतरा मंडरा रहा है। अर्थव्यवस्थाओं की कमर टूट रही है, सभी बड़ी संस्थाएं पीछे हट रही है, सभी शक्तिशाली सुपर पावर देश घुटने टेक चुके हैं। हजारों लोग दिन पर दिन लोगों की मौत हो रही है और हर रोज लोग संक्रमण से प्रभावित हो रहे हैं। तो ऐसे में एक देश चालबाज बेईमान कुत्ता कमीना, जो भी इस देश को आप कह सकते हैं, वो देश हर हालात में इस स्थिति का फ़ायदा उठाने के लिए आगे आ रहा है। और पूरी दुनिया की इस देश ने अकेले देश ने ऐसी तैसी कर दी है, और पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ कितना गुस्सा है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो दोस्तों, दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में चीन घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, और बड़ी बड़ी कंपनियों और उनके शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीदने की कोशिश कर रहा है। पूरे वर्ल्ड मीडिया को खरीद कर अपनी तरफ कर रहा है, ताकि वो मीडिया चीन का गुणगान गाए और चीन को एक अच्छे देश की छवि दे। साथ ही पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीति के तहत अपनी मिलिट्री पावर को बढ़ा रहा है, और इसमें अपनी मिलिट्री पावर से छोटे छोटे देशों को डराने में लगा है और अपनी पावर को बढ़ा रहा है। साथ ही साउथ चाइना सी में छोटे छोटे आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है, ताकि अपनी नेवी को इन पर तैनात कर सके, और साथ ही दूसरे देशों की समुद्री सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है। नकली सामान को पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करके रोज अरबों डॉलर कमा रहा है, साथ ही दिखा रहा है कि वो उन देशों पर एहसान कर रहा है और अपने आप को एक सुपर पावर देश के तौर पर दिखा रहा है। पर ऐसे में भारत के इस मामले में आते ही भारत ने सारा रुख ही पलट दिया। तो चीन की सारी हवा टाइट हो गई है, चीन को डर है कि भारत पीओके पे एक्शन ना ले ले और फिर पाकिस्तान और चाइना के सीपेक कॉरिडोर पर ताला लग जाएगा और भारत इसे फट से बंद कर देगा, या फिर साउथ चाइना सी में क्वाड को ज्वाइन करके अपनी नेवी को तैनात ना कर दे। तो ऐसे में चीन की हवा पहले ही टाइट है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की नेवी से और जापान की नेवी से, और ऐसे में इंडियन नेवी के वहाँ पर आते ही चीन की हवा इस तरह से टाइट होगी जैसे कि कोई गधे के सिर पर से सिंह गायब हो जाते हैं। और दोस्तों, चीन को एशिया अफ्रीका से व्यापारिक तौर पर भारत बाहर निकालने में लगा है। आपको पता होगा कि चीन के व्यापारिक संबंध अफ्रीका से बहुत बुरी तरह ख़राब हो चुके हैं, और चीन से जो 1000 कंपनियां पलायन कर रही है, तो ऐसे में भारतीय सरकार ने, जो बड़ी बड़ी रेटिंग एजेंसियां हैं, उनका दावा था कि भारत अपनी जीडीपी का केवल 1% हिस्सा दे सकता है, और भारतीय जो अर्थशास्त्री हैं वो भी कह रहे थे कि भारत अपनी जीडीपी का 3% हिस्सा भी नहीं दे सकता है। और ऐसे में भारत ने अपनी जीडीपी का 10% हिस्सा देते हुए 300 अरब डॉलर का एक पाकिस्तान की कुल जीडीपी भी इतनी नहीं है दोस्तों, इतना बड़ा भारतीय सरकार ने पैकेज दे दिया है, और इन कंपनियों का भारत आना तय है और चीन की बैंड बजनी तो तय है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।